सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। अगर मीनू त्यागी, विक्की त्यागी और उसके परिवार का किसी ने सपोर्ट लेने का इतना सभी प्रयास किया, चुनाव भूल जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं ये बात अपने पूरे गाँव में एक आदमी को बता देना, ठीक है। उसके खानदान का मुझे कोई आदमी अगर दिख गया तो उसका तो मैं अलग से इलाज बांधूंगा ही बांधूंगा। लेकिन अगर किसी प्रत्याशी या किसी सपोर्टर ने इतने बड़े गैंगस्टर या अपराधी या उसके परिवार का सपोर्ट लिया। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर बदमाशों अपराधियों को जेल भेज रही है, तो जगह जगह ग्रामीणों के साथ मीटिंग कर उन्हें जागरूक भी कर रही है। लेकिन इन सभी के बावजूद प्रत्याशी वोटर को लुभाने, डराने, धमकाने और जबरन वोटिंग के लिए जनता पर दबाव बना रहे हैं। बहरहाल पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस सख्त से सख्त कदम उठा रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां डीएम सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने अति संवेदनशील गांव में मतदान स्थलों का मुआवना किया और ग्रामीणों से पारदर्शी चुनाव कराने के सुझाव के लिए एसएसपी ने ग्रामीणों को दो टूक कहा कि चुनाव में किसी उम्मीदवार का अपराधियों से गठजोड़ अथवा समर्थन पाया गया तो दोनों बख्शे नहीं जाएंगे। एसएसपी ने कहा कि चुनाव में अपराधी मीनू त्यागी और विक्की त्यागी का सपोर्ट लिया तो चुनाव भूल जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसके साथ ही एसएसपी अभिषेक यादव ने ग्रामीणों से कहा कि पूरे गांव में एक एक आदमी को बता देना, उसके खानदान का एक आदमी भी यहां दिख गया तो उसका मैं अलग से इलाज करूंगा। अगर किसी प्रत्याशी ने इसका सपोर्ट लिया तो चुनाव छोड़ दो, सात पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे, ये सारी बात गांठ बांध लेना। तो आपने सुना किस तरह एसएसपी अभिषेक यादव ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक जगह सुनो, एक चीज मैं सिंपल सी बता दे रहा हूँ, जितने प्रत्याशी हैं और बाकी भी जो गांव के लोग हैं, अगर मीनू त्यागी, विक्की त्यागी और उसके परिवार का किसी ने सपोर्ट लेने का इतना सभी प्रयास किया, चुनाव भूल जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं ये बात अपने पूरे गांव में एक आदमी को बता देना, ठीक है। उसके खानदान का मुझे कोई आदमी अगर दिख गया तो उसका तो मैं अलग से इलाज बांधूंगा ही बांधूंगा। लेकिन अगर किसी प्रत्याशी या किसी सपोर्टर ने इतने बड़े गैंगस्टर या अपराधी या उसके परिवार का सपोर्ट लिया तो ये चुनाव छोड़ दो, अपनी सात पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे, ये सारी बात गांठ बांध लेना, ठीक है। इस गांव में सबसे ज्यादा राउंड लगेंगे मेरे और मैडम के, ये बात गांठ बांध लीजिए और अपने सभी जो नई प्रत्याशी आए हैं उनको भी बता दीजिए, कोई जरूरत नहीं। विकास के मुद्दे पे लड़िएगा, गांव का और विकास क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उस पे, ये नहीं कि पैसा लेकर के या किसी को धमकी देकर। अपराधी का सपोर्ट मत ले लेना कोई सा भी, गलत हो जाएगा और पता चल ही जाएगा, है ना, पता चल ही जाएगा और उसके बाद दिक्कत होगा फिर, है ना। वो हमको लिस्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, वो देख लीजिएगा। अच्छा, कम्युनिकेशन प्लान का, कितने मजरे हैं यहाँ पे? मैम ये तो एक ही गाँव है। अच्छा, ये